जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हिरेन है और आप देख रहे हैं लाइव साउंड ट्यूटोरियल। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे और लाइव सेटिंग उसके देखेंगे, जिस मिक्सर का नाम है MG16XU। यामाहा का यह मिक्सर है। चलिए इसको खोलते हैं, इसके बॉक्स में क्या आता है। तो इसमें हमें मिल जाता है, पहले दिखाई दे रहा है, ये रैक माउंट के लिए उसकी जो स्ट्रिप आती है मिक्सर के बाजू में लगती है वो है, और पावर कॉर्ड है, और यूजर मैनुअल है, और मिक्सर है। ये तीन चीजें बॉक्स में हमें मिलती है, और साथ में हमें बॉक्स में एक वारंटी कार्ड जो यहाँ पे लगा हुआ है वो मिल जाता है, और एक और चीज जिसकी भी कुछ वैल्यू है ऐसा है, क्यूबेस एली। ये सॉफ्टवेयर है जिससे हम साउंड रिकॉर्ड करते हैं, और ये सॉफ्टवेयर हमें यहाँ पे फ्री मिलता है लाइसेंस। तो ये इसके साथ हमें की भी इसमें बॉक्स में मिल जाती है। चलिए इसको, इस मिक्सर को हम कनेक्ट करते हैं, लगाते हैं और चेक करते हैं और हर फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। ये है यामाहा का MG16XU मिक्सर। इसके पीछे को पार्ट को हम देखें तो ये है अपना, जिसमें हम लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं, पीसी कनेक्ट कर सकते हैं, और हम उसी के साथ अपना आईपैड भी कनेक्ट कर सकते हैं इस सॉकेट से। ये है अपना पावर का सॉकेट है और ये ऑन ऑफ स्विच है। अभी इसको आगे से समझते हैं और उसके फीचर्स को चला के देखते हैं। तो दोस्तों, ये है यामाहा का मिक्सर, और अगर इस मिक्सर को हम देखें तो इसमें हमें परफेक्ट 16 चैनल यहाँ पे दी गई है, जिसमें से 12 चैनल हमें XLR दी गई है। 12 तो नहीं कह सकते, लेकिन 10 चैनल हम XLR इन कर सकते हैं, और बाकी की स्टीरियो चैनल हम इसमें डाल के टोटल इनपुट इसके 16 हो जाते हैं। अभी एक चैनल को हम समझेंगे तो पूरे की पूरी ये जो 8 चैनल है उसको सेम ही सेटअप है। तो एक चैनल को हम बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने ऑलरेडी माइक लगा दिया है चैनल 1 में। मेरे ख्याल से आपको देखने में इजी रहेगा अगर इसको मैं बीच में यानी चैनल 6 में डालूं। इसको मैं 6 में डाल देता हूं। चलिए इस चैनल के सेटिंग्स को हम समझते हैं ऊपर से नीचे की ओर। तो अपने ऊपर हमें बटन मिलता है 26 dB पैड, यानी इसकी सेंसिटिविटी 26 dB कम हो जाएगी। इसको दबाएंगे तो मेरी आवाज आ रही है वो कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। देखिए, हालो। तो अगर मैं इसको बढ़ाता हूं तो ये आवाज आती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस चैनल की सेंसिटिविटी 26 dB डाउन हो गई। ये हम यूज कर सकते हैं जब कोई बहुत ही पावरफुल सोर्स आ रहा है या ऐसा माइक लगा है जिसमें ओवर आ रहा है, पिक हो रहा है, तब आप इसको दबा के कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाजू में जो है वो है हाई पास फिल्टर 80 Hz, यानी अगर हम इस स्विच को दबाते हैं तो 80 Hz से नीचे की फ्रीक्वेंसी वो कट कर देगा। उससे हम वगैरह जो भी हमिंग आता है वो वगैरह हम उससे कंट्रोल कर सकते हैं, और कोई वोकल अगर कोई बोल रहा है तो माइक में, तो उसमें जो ब्लो आता है उसको भी यहां से कंट्रोल हो जाएगा। ये है अपना गेन। तो ऑब्वियसली गेन से आवाज बढ़ेगी और कटेगी, जितना भी आपको रखना चाहे रख सकते हैं, और इसमें मेंशन भी किया गया है कि कहाँ पे हमें गेन रखना है। गेन के आप जो पूरे सर्कल को देखेंगे तो एक जगह पे ज्यादा मोटी परत आएगी, यानी आप इसको 9:30 बजे सेट करेंगे तो ये परफेक्ट होगा। अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन यामाहा ने मेंशन किया है। ये है अपना कंप्रेसर। ये अगर आप, ये बहुत बारीक फर्क होता है अगर आप सुन पाए तो, ये मैंने कंप्रेसर ऑफ किया है और उसकी आवाज है, थोड़ा सा फर्क होता है। हर एक फ्रीक्वेंसी को कंप्रेसर एक सही लेवल में करके बजाता है। अभी मैं कंप्रेसर ऑन करता हूं तो मेरी हर फ्रीक्वेंसी को वो उठा के बजाएगा। तो ये कंप्रेसर अगर आपको कुछ ज्यादा सेटिंग उसमें पता नहीं है तो आप उसको सेंटर रखेंगे तो ओके हो जाएगा। ये अपना हाई पास यानी हाइज का फिल्टर है। इसमें HF आप ज्यादा करना चाहे तो कर सकते हैं यहां से खोल के, और कम करना चाहे तो कम कर सकते हैं। अभी इस बटन को समझना
थोड़ा सा डिफिकल्ट है, प्रोफेशनल को भी ये समझ में नहीं आता है। देखिए अगर ये जो हमें यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी के सेटअप यहाँ पे दिए गए हैं, लो और बेस, सब और लो, अगर इन दोनों को हमने सेंटर में किया हुआ है ऐसे और इसको हम घुमाते हैं, देखिए कुछ भी फर्क नहीं होगा आवाज में, कुछ भी नहीं। अगर ये सेंटर में है तो इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी को हम टारगेट करेंगे कि चलो ये फ्रीक्वेंसी में जैसे मैंने इसको सेंटर से घुमा के यहां पे किया, तो अभी ये टारगेटेड फ्रीक्वेंसी को ये बटन है वो ऑपरेट करेगा। देखिए हेलो 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 हेलो, चेक 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 चेक, हेलो हेलो हेलो, तो ये फ्रीक्वेंसी टारगेट है तो इसको ये कंट्रोल करेगा या फाइन ट्यून करेगा। अगर हमने इस फ्रीक्वेंसी को ज्यादा यहाँ पे मीड पे खोला है तो उसके बाद ये ज्यादा मीड, देखिए ये आवाज में फर्क हुआ और ये भी आवाज में फर्क हुआ। तो टारगेटेड फ्रीक्वेंसी को ये कंट्रोल करने में फाइन ट्यूनिंग करेगा। ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है लेकिन काफी लोगों को ये पता नहीं होता है। अभी यहाँ पे देखिए ये बेस का है, बेस का जो है वो जितना बेस हमें चाहिए वो बेस हम ले सकते हैं, जितना कम करना चाहे कम कर सकते हैं। एक ये नोब अगर सेंट्रल है तो ये काम नहीं करेगा, बाकी आप टारगेट करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है अपना फिल्टर्स और एक ये ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ऑक्सिलरी वन, ऑक्सिलरी टू, ऑक्सिलरी थ्री और ऑक्सिलरी फोर और इफेक्ट दोनों साथ में दिया गया है। ऑक्सिलरी का उपयोग ये है कि कोई भी आप सेपरेट आउट, एक तो मिक्स आउट होता है अपना लेफ्ट राइट में और एक सेपरेट आउट होता है। जैसे मिक्स में हमने सिंगर तबला जो भी है अपना एक बैलेंस करके दिया है, लेकिन अगर सिंगर को हमें खाली सिंगर सुनाना है, तबला को खाली सिंगर और तबला कीबोर्ड सुनाना है, तो वो ऑक्सिलरी से हम सेपरेटली मॉनिटर कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको समझिए, ये प्री प्री यानी कि जिसको फेडर से कुछ लेना देना नहीं है वो प्री है। तो ऑक्सिलरी वन अपना प्री है, इसको यहां से खोलना होगा और उसका मास्टर वॉल्यूम ये यहां पे, यहां से इसको खोलना होगा। ऑक्सिलरी टू सेम, उसका मास्टर वॉल्यूम ये यहां पे, और ऑक्सिलरी टू को हम प्री और पोस्ट दोनों कर सकते हैं, यहां पे स्विच है। पोस्ट यानी इस फेडर के साथ इसका वॉल्यूम अफेक्ट करेगा और प्री यानी इसको इस फेडर से कुछ लेना देना नहीं है, गेन और प्री सीधा यहां से ऑपरेट होगा। सेम उसका ऑक्सिलरी का मेन मास्टर यहां पे है, ऑक्सिलरी थ्री उसका भी मेन मास्टर यहां पे है, ऑक्सिलरी फोर इसका मास्टर यहां पे है, यानी यहां से आपको खोलना है और यहां से भी आपको खोलना है, तभी आवाज इस सॉकेट से निकलकर बाहर जाएगी। और ऑक्सिलरी के आउटपुट यहां पे दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4। तो ये है अपना ऑक्सिलरी का सेटअप। और उसके बाद आता है अपना पैन, पैन यानी उसको लेफ्ट और राइट में कितना हमें डालना है, वो आइडियली सेंटर में होना चाहिए। और उसके बाद आता है ऑन और ऑफ स्विच, उसमें भी लाइट दी गई है, ऊपर से मिक्सर देख के आपको पता चल जाएगा कौन सा बंद है कौन सा चालू है। उसके बाद हमें मिल जाती है लाइट पिक, कोई चैनल ओवर सिग्नल डाल रही है, ज्यादा आ रहा है तो ये पिक लाइट जल जाएगी, ठीक है। और ये ग्रुप 1, 2 और 3, 4 यानी अगर जो चालू चैनल है उसको हम ऑन करते हैं 1, 2 में तो वो सीधा सेंड हो जाएगा ग्रुप 1, 2 में, और इसको हम ये स्विच करेंगे तो स्टीरियो में जाएगा, स्टीरियो चैनल भी इसमें हम सीखते हैं कैसे होता है। यानी होगा ये कि अगर ये जो चैनल है उसमें से दो चैनल हमने ग्रुप 1, 2 में डाली, उसका जो भी ओवरऑल सेटिंग है उसको ग्रुप 1, 2 से हम एक फेडर से कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई रिदम हो गया, वो रिदम को हमने ग्रुप 1 और 2 में डाला है, तीन रिदम को, तीनों का एक वॉल्यूम से हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। वैसे हमें दो ग्रुप मिलते हैं, एक है अपना 1 और 2, 3 और 4। तो 3 और 4 में हमने डाल दिया तो 3 और 4 सेम एक फेडर में इसमें जो भी डाला हुआ उसका वॉल्यूम हमें मिल जाता है। तीसरा अपना बटन है वो है स्टीरियो। अगर स्टीरियो बटन हमने नहीं दबाया है तो कहीं भी आवाज नहीं जाएगी, ये खाली अपना ऑक्सिलरी में आवाज जाएगी। तो ये स्टीरियो अगर मैं उठा लेता हूं तो देखिए ये मेरी आवाज बंद हो गई, इसको दबाएंगे तो स्टीरियो में यानी कि यहां पे मेन वॉल्यूम में आवाज चालू हो जाएगी,
ये PFL स्विच है, यानी इसी चैनल के हमें आउटपुट को यहाँ पे एलईडी में देखना है, या फिर हमें वो मॉनिटर जो फोन्स है उसमें उसका लेवल सुनना है, तो इसको दबाएंगे तो उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ हेडफोन जो लगाया है तो हेडफोन में इसकी आवाज जाएगी, और आपको लाइट से भी इस चैनल में आवाज कितनी जा रही है आ रही है वो सुनाई देगी। ये यूज तब होता है जब हम कोई बड़ा शो कर रहे हैं, उसमें 10-12 चैनल लगी हुई है जैसे इसमें है, तो कभी कभी ये होता है, डाउट होता है कि ये माइक बंद हो गया कि चालू है, तो आप PFL करके देख सकते हैं इसके उसमें कितना सोर्स जा रहा है। तो ये PFL का मेनली यूज है। अभी हम इस मिक्सर के दूसरे चैनल को समझते हैं। तो ये सेम सेटअप है सारी चैनल का, लेकिन ये 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 16 9, 10 चैनल है, उसमें हमें XLR भी मिलता है और मोनो भी मिलता है, स्टीरियो और मोनो दोनों मिलता है। अगर मोनो सिंगल है तो आप उसमें जैक इन कर सकते हैं लेफ्ट में, और स्टीरियो डालना है तो लेफ्ट राइट दोनों में मिक्स कर सकते हैं उसका जैक डाल के। उसका गेन कंट्रोल सेम जैसे हमने देखा हाई पास लो पास फिल्टर और मिड लो, हाई लो मिड का दो तीनों का फिल्टर, ऑक्सिलरी का ऑप्शन है, इफेक्ट का ऑप्शन है, पैन बटन ऑन ऑफ और सेम ये स्विच। इसमें फर्क इतना है खाली कि इसमें हमें कंप्रेसर नहीं मिलता है। एक और यहाँ पे स्विच दी गई है फैंटम 48 वोल्ट, तो अगर इस स्विच को हम ऑन करते हैं तो ये 12 चैनल तक इसमें फैंटम पावर ऑन हो जाएगा। यानी आप कोई कंडेंसर माइक यूज करना चाहते हैं तो कंडेंसर माइक अगर यूज करेंगे तो उसको पावर लगेगा, उसको पावर देना पड़ेगा, तो वो इस स्विच आप दे सकते हैं। लेकिन याद रखिए डायनेमिक माइक में इसको ऑन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कंडेंसर माइक में ये यूज होता है। और अगर आपने एक डायनेमिक एक कंडेंसर ऐसा डाला है तो आपको ये ऑन नहीं करना है, क्योंकि सारे में पावर एक साथ जाएगी। और ये चैनल थोड़ी अलग है, इसमें दिया गया है लेफ्ट और राइट हमें स्टीरियो लाइन इन, और RC भी हमें दिया गया है 13 और 14 नंबर की जो चैनल है उसमें, और सेम उसका कंट्रोल है जैसे हमने आगे सीखा है सेम उसका कंट्रोल हो जाएगा। और एक चैनल है 15-16, इसमें थोड़ा फर्क है, पूरा चैनल सेम हम यूज कर सकते हैं जैसे ये चैनल यूज होगा मैंने सिखाया अभी आपको, और लाइन और USB यानी पीछे जो हमने लाइन में जो USB से लैपटॉप या फिर iPad कनेक्ट किया है उसमें अगर कुछ बजाते हैं तो अगर हम उसको USB से ऐसे स्विच दबाएंगे तो USB से जो भी कनेक्ट डिवाइस है उसमें जो बजेगा वो इस चैनल में हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको ऑन कर सकते हैं और ये फ्रीक्वेंसी उसको सेट कर सकते हैं, इफेक्ट भी डाल सकते हैं, तो वो यहाँ से कंट्रोल होगा। यानी आप या तो बजा सकते हैं इसमें लाइन जो डाला है वो, या बजा सकते हैं आप जो USB से बज रहा है वो। ऑक्सिलरी 1, 2, 3 और 4, इसके मास्टर वॉल्यूम्स यहाँ पे हैं, यानी इसको मास्टर में कितना खोलना है वो ये 1, 2, 3, 4 यहाँ से। और एक चीज है, इसका आउटपुट हमें यहाँ से मिलेगा 1, 2, 3, 4 ऑक्सिलरी का। और मॉनिटर आउट यहाँ पे दिया गया है, मॉनिटर आउट हमें यहाँ से मिल लेना है, मॉनिटर आउट लेफ्ट और राइट, मेन अपना लेफ्ट और राइट यहाँ से है, उसका जैक से भी आप ले सकते हैं, XLR से भी आप आउट ले सकते हैं। फुट स्विच का भी ऑप्शन इस मिक्सर में है, फुट स्विच आप डाल के FX को फुट स्विच से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। हेडफोन का यहाँ से हमें स्टीरियो आउट मिलेगा, और हेडफोन का वॉल्यूम यहाँ पे देखिए, इसमें हमें 4 चीजें सुन सकते हैं, स्टीरियो, ग्रुप, मॉनिटर और ग्रुप 1, 2, 3, 4। जिस भी स्विच को आप दबा के ऑपरेट करेंगे आपको 1x1 चारों चीजें फोन्स में अलग से सुनाई देगी, ये बहुत अच्छा है। और इसमें हमें इफेक्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। इफेक्ट को हम अच्छे से समझने के लिए चलिए थोड़ा सा इसको ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, इसका इफेक्ट कैसा है। बहुत खूबसूरत प्रोसेसर है, चलिए समझते हैं। बहुत ही अच्छा इफेक्ट इस मिक्सर में दिया गया है। देखिए मैंने ऑलरेडी फेडर
किया है और यहां से मैं इफेक्ट के बटन को खोलता हूं। आपको और एक काम करना होगा कि इफेक्ट के इस फेडर को सेंटर में डालना होगा, सेम जो फेडर है उसको, और यहां से इफेक्ट के बटन को ऑन करना होगा, तभी ये देखिए इफेक्ट आ रहा है। तो अभी सिलेक्ट किया हुआ है 1 नंबर का इफेक्ट, इसमें 24 इफेक्ट है और इसके पैरामीटर्स हम सेट कर सकते हैं। तो देखिए इफेक्ट में हमें क्या क्या सेट कर सकते हैं। ये इफेक्ट का मेन फेडर है, ऑन ऑफ स्विच है, उसको भी ग्रुप में आप डाल सकते हैं, जैसे हर चैनल को डाल सकते हैं। इफेक्ट का भी PFL हम देख सकते हैं कि कितना इफेक्ट रन हो रहा है। इफेक्ट को हमें ऑक्सिलरी में कितना डालना है वो यहां से, जैसे ऑक्सिलरी में हम आवाज तो डाल ही रहे हैं लेकिन इफेक्ट कितना डालना है वो भी यहां से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऑक्सिलरी 1, 2 और 3। और ऑक्सिलरी 4 और इफेक्ट दोनों साथ में ही रन होता है तो इसकी हमें जरूरत नहीं, उसमें इफेक्ट जाएगा साथ में। तो ये इफेक्ट नंबर 1 है, इसको हम पैरामीटर्स घुमा के देखते हैं। देखिए इफेक्ट नंबर को चेंज करने के लिए क्या होगा, आपको इस बटन से घुमा के देखिए 24 में से जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो, जैसे ये 1 नंबर है तो उस पे, उसके बाद इसको उसी को प्रेस करेंगे तो ये 1 नंबर सिलेक्ट हो गया। अभी पैरामीटर्स को हम देखते हैं। देखिए हेलो, तो ये इफेक्ट है, उसमें हम पैरामीटर्स चेंज करते हैं। देखिए हेलो हेलो चेक हेलो हेलो, तो इस इफेक्ट के पैरामीटर से हम इफेक्ट में जो भी नंबर सिलेक्ट है उसमें पैरामीटर्स भी चेंज कर सकते हैं। और जैसे ये एक इफेक्ट हमने रिवर्ब हॉल 1 देखा, एक और इफेक्ट हम सेट करते हैं डिले, जो 12 नंबर पे है, तो ये 12 हो गया आ गया और इसको प्रेस करेंगे, इसी बटन को प्रेस करेंगे तो 12 नंबर सिलेक्ट हो जाएगा। अभी इसको ऑन करते हैं, हेलो चेक हेलो, तो ये अपना डिले चेक 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 हेलो 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 हेलो। देखिए इस पैरामीटर से थोड़ा जो फर्क आता है उसको आपको समझना होगा और अपने जरूरत के हिसाब से इफेक्ट को सेट करना होगा। देखिए हेलो 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 चेक 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 हेलो 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 हो। तो ये अपना इफेक्ट का सेक्शन है जिसमें आप इफेक्ट अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं। ये अपना PFL लाइट है जहां पे हमें हर एक चीज डिस्प्ले में दिखाई देगी। तो करीब करीब हमने सब कुछ यहाँ पे सिखा दिया है। आशा करता हूँ मिक्सर के बारे में हमने सब कुछ लगभग सीख लिया है। और कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं जरूर आपको जवाब दूंगा और वीडियो भी बना दूंगा। थैंक यू, भारत माता की जय।